अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिसेस के थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और एक और इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। अच्छा, हम अगर इसको मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको तीन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। पहला जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो होगा 2 1 1 2। ये कैसे आया? 2 1 1 2। दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो होगा एक्स और वाई, और फिर इक्वल्स टू लिखकर और सीधे हाथ की तरफ ये जो 5 4 है इसका एक मैट्रिक्स। अब इसको मैट्रिक्स ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट होगा ए डी माइनस बी इंटू सी, यानी कि मेरा डिटर्मिनेंट आएगा 4 माइनस 1 विच इज 3। और इन्वर्स कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई ए और डी की पोजिशंस चेंज। अब इत्तेफाक से ये भी 2 है, ये भी 2 है, पोजिशंस चेंज करें तो भी ये 2 2 ही आएगा। और बी और सी की साइंस चेंज, 1 1 है तो ये -1 -1 हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा 2/3 -1/3 -1/3 और 2/3। फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास देखो ये जो चीज़ है ये है ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सी मैट्रिक्स। हम दोनों साइड्स को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू सी। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी देखी कि ए इनवर्स इंटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू सी। अब इनको लिख लिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1, बी मैट्रिक्स हमारा जो था वो क्या था? एक्स वाई। ए इनवर्स हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या है? वो है 2/3 -1/3 -1/3 और 2/3। और सी मैट्रिक्स जो हमारा था वो, अगर ऊपर से आपने कॉपी किए हों सारी चीज़ें, तो सी मैट्रिक्स जो है वो 5 4 है, 5 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रो 1 कॉलम। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके 2 रोज़ और 1 कॉलम होंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहला रो और पहली कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, फिर दूसरी रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? 2/3 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1/3 4 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे दूसरी रो और पहला कॉलम यानी कि -1/3 इंटू 5 प्लस 2/3 इंटू
फोर। अब मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 1 × x इज x प्लस 0 × y, x आएगा नीचे, 0 × x इज 0, 1 × y इज y, इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर क्या आएगा, 2 × 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2/3 × 5 जो है वो 10/3 बनता है, माइनस 1/3 × 4 तो ऊपर आएगा 2, और नीचे क्या है, -1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि -5/3, और दूसरी साइड पे 2/3 × 4 और इसको जब नेट ऑफ करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब x जो है वो 2 के बराबर है और y जो है वो 1 के बराबर है, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम चेक भी कर लें, हमारा आंसर आ रहा है कि x 2 और y 1 है। हम अपने ओरिजिनल सवाल पर जाएं, हमारा जो आंसर आ रहा है उस हिसाब से x 2 है और y जो है वो 1 है। और अगर ऐसा ही हम चेक करते हैं, पहली इक्वेशन देखें, पहली इक्वेशन हमें जो सवाल में दी हुई थी वो थी 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, और हमारे हिसाब से x की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 × 2 प्लस 1 कितना होता है, 5। और अगर यही x 2 और y 1 दूसरी इक्वेशन में डालें तो दूसरी इक्वेशन जो है उसके हिसाब से हमारे पास 2 + 2 × 1 4 आ रहा है, यानी कि हमने जो आंसर निकाला है वो आंसर सही है। इस तरह से आंसर चेक कर सकते हो, सही है। तो हमारा जो मैट्रिक्स के मेथड से फाइनल आंसर आया है वो है x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा फाइनल आंसर आया है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से।